है आश्रव का वर्णन तो कराएं बराबर, मैं मानता हूँ सौम्र और निर्जरा का वर्णन कहाँ करके आए हैं है? शुरुआत में कहा किया क्या? चलो वो सौम्र का हो गया, निर्जरा तब से निर्जरा होती, लेकिन निर्जरा का वर्णन करके आए क्या है? पहले अध्याय में कहाँ है? हाँ वहाँ बताएं एक्चुअली, जीवा जीव आश्रव बंध संवर्ण निर्जरा मोक्षास्तत्वम, उस सूत्र में बता क्या है ना, उस सूत्र में आश्रव बंध संवर्ण निर्जरा मोक्ष का कथन किया कि नहीं किया? तो वहीं करा है वो, क्या वहाँ वर्णन हो गया एक्चुअल में आश्रव क्या है, संवर क्या है, निर्जरा क्या है, इस बात का सामान्य वर्णन वहाँ करा है। यहाँ तो अभी तक हमने कौन से तत्व का वर्णन किया है? पूरा 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 का पूरा कंप्लीट फिनिश हो गया, जिस चीज का किस किस का फिनिश हो गया, आश्रव का हो गया और बंद का हो गया। आश्रव का कौन से अध्याय में वर्णन था? छठे में ही था है, छठे और सातवें में। सातवें में का कौन से आश्रव का वर्णन है? शुभाश्रव का वर्णन। छठे में सामान्य रूप से आश्रव का वर्णन है और सातवें में शुभाश्रव का वर्णन, और आठवें में बंद तत्व का वर्णन, नौवे में संवर्ण निर्जरा का वर्णन। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? संवर्ण निर्जरा पढ़ रहे हैं, अभी संवर्ण निर्जरा पूरा नहीं हुआ है। तो फिर यहाँ ये क्यों लिखा है कि संवर्ण निर्जरा का वर्णन पहले कराएं? तो पहले मतलब पहले अध्याय के पहले ही, पहले अध्याय में जीवा जीव आश्रव बंध निर्जरा मोक्षा सत्वम कौन सा सूत्र था, कौन सा नंबर का? तीसरा सूत्र है ये, तीसरे नंबर का सूत्र है, पहले अध्याय का तीसरे नंबर का सूत्र है ना, चौथा, चौथे नंबर का। तो यहाँ कराए ना, यहाँ पे यहाँ चौथे नंबर इस सूत्र में सब बताया है। क्या बताया है? सात तत्वों का सामान्य रूप से स्वरूप बताया है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई अब जो भावनाएं हैं कौन कौन सी, आश्रव संवर्ण निर्जरा भावना, तो हम इसमें आश्रव संवर्ण निर्जरा का वर्णन पहले कराए, कथन पहले कराए। तो फिर अब पढ़ना कि नहीं करना? अच्छा देखो, आप देखो तत्व कितने हैं? सात। वो भावनाएं कितनी है? बारह। तो बारह भावनाओं में से कितने तत्वों की चर्चा है? हाँ, तीन नाम ऐसे हैं जो तत्व के ऊपर बिल्कुल एज इट इज है, आश्रव संवर्ण और निर्जर है ना। अभी बंद और मोक्ष छोड़ दिए, बंद और मोक्ष की चर्चा नहीं है इसमें, तो बंद मोक्ष का वर्णन कहाँ आएगा? अरे बंद मोक्ष भावना है कि नहीं, अलग से कहाँ आएगी? बंद मोक्ष भावना नहीं ली, आश्रव संवर और निर्जरा भावना है, न बंद भावना है न मोक्ष भावना है। जीव और अजीव का तो एक बार अपन फिर भी बोल सकते हैं कि साहब एकत्व में अन्यत्व में जीव और अजीव की बात ही, अजीव अन्य है, जीव अन्य है, मैं अकेला हूँ। तो यहाँ तो जीव अजीव की चर्चा है, लेकिन बंद मोक्ष की चर्चा कहाँ है? है धर्म भावना मोक्ष की है, संवर मोक्ष है, बंद और मोक्ष दो बज गए ना सात तत्व में, तो बंद को कायम गर्भित करेंगे और मोक्ष को कायम करेंगे। मोक्ष को वैसे ये क्लोज है थोड़े, बस पूरे क्लोज नहीं है। हाँ संवर में क्यों, निर्जरा में नहीं करेंगे हैं? मोक्ष निर्जरा में भी होगा ना गर्भित, संवर निर्जरा में होगा और बंद काय में जाएगा, आश्रव में जाएगा। बस ये आश्रव बंद का अंतर्भाव आश्रव में करेंगे और मोक्ष का अंतर्भाव संवर निर्जरा में करें, निर्जरा में करेंगे, वैसे संवर में नहीं, निर्जरा में ज़्यादा होएगा, क्योंकि निर्जरा पूर्वक मोक्ष है, तो मोक्ष मोक्ष जो है निर्जरा से ज़्यादा क्लोज है। संवर पूर्वक निर्जरा होती है और निर्जरा पूर्वक मोक्ष होता है और आश्रव पूर्वक बंद होता है। और जीव अजीव की चर्चा तो सामान्य रूप से
अनित्य एकत्व अन्यत्व इन भावनाओं में आई गई। इसलिए देखा जाए तो सात तत्व की चर्चा है इसमें भी, ये बारह भावना भी सात तत्व के श्रद्धा है। तीन भावना तो मतलब तीन तत्व के नाम पे तो पूरी की पूरी भावना ही आ गई है, आश्रय भावना आश्रय तत्व के नाम, समवर भावना समवर तत्व, निर्जरा तत्व निर्जरा भावना, एज इट इज। लेकिन अंतर है कि एक ही है, बताओ ये तत्व और भावना एक ही है कि अंतर है? आश्रय संवर्ण निर्जरा तत्व और आश्रय संवर्ण निर्जरा भावना एक ही चीज है कि अलग अलग, क्या अंतर? आश्रय तत्व और आश्रय भावना, हाँ ये आश्रय भावना क्या है, कौन सा तत्व है? संवर तत्व है। और आश्रय तत्व आश्रय तत्व है, आश्रय तो आश्रय तत्व तो हे है और आश्रय भावना उपादे, बारह भावना हे है कि उपादे? उपादे। आश्रय हे है ये इस बात का चिंतन करना ही आश्रय भावना है, तो उसका हे रूप से चिंतन करना तो अच्छा है, आश्रय होना बुरा है, लेकिन आश्रय को छोड़ने की भावना करना ही आश्रय भावना है और वो तो उपादेय है। भाई आश्रय तो हम छोड़ने की भावना करें रात दिन बहुत अच्छी बात है, आश्रय नहीं करें आश्रय को छोड़ने की भावना करें, आश्रय तो इन करने की कह रहे हैं, आश्रय तत्व को उपादेय नहीं कह रहे हैं, आश्रय भावना को उपादेय करें। और आश्रय भावना का मतलब क्या होता है, लोग अलग चलते हैं, आश्रय भावना मैंने आश्रय करने की भावना करो भैया, कितने आश्रय हमको खूब शुभाश्रय कैसे हो। आश्रय भावना का मतलब होता है कि आश्रय दुखकार घनेरे और बुद्धिवंत तिने निर्वेरे, ये विचार करो, आश्रय दुखकार घनेरे, आश्रय की दुखरूपता का विचार करना ही आश्रय भावना है, निरंतर उसकी दुखरूपता का विचार करो, क्या आश्रय की दुखरूपता विपरीतता, आश्रय की अशुचिता, आश्रय की दुखरूपता, आश्रय की कर्म मतलब आश्रय के निमित्त से वर्तमान और भविष्य में दुख जो है, भविष्य में दुख होगा ये बात का विचार करना आश्रय दुखकारी है, ये बात का विचार करना क्या है, आश्रय भावना है, और ये निरंतर करना चाहिए जीव को, ये दुखकारी है सब, ये जितने रागादि भाव है ये दुखकारी, ये भाव कब भावना, ये भाव सतत भावना, निरंतर भावना कि ये भाव मोह राग द्वेष भाव ये जीव को दुखकारी है, ये छोड़ने लायक है, ये ही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए, जीव प्रदेश बंधे विधि सो सो बंधन कबू न सजिए। आश्रय भावना में है भी यही, देखो उसमें दौलत राम जी की आश्रय भावना में ही जो योगन की चपलाई ताते हुए आश्रय भाई, कितना बढ़िया, ये कौन सा सूत्र का वर्णन है, इस पे सूत्र बोलो, इस लाइन के ऊपर सूत्र, ये लाइन कौन से सूत्र की है बताओ, जो योगन की चपलाई ताते हुए आश्रय भाई, वाह ये बहुत दो सूत्र हो गए, काय मांग मना कर्म योगा स आश्रव, ये हो गया आश्रव का वर्णन हो गया, और दूसरी लाइन में क्या है, आश्रव दुखकार घने बुद्धिवंति ने निर्वे, क्या लिखा है बढ़िया, एक लाइन में आश्रव का स्वरूप, एक लाइन में आश्रव की भावना का बात हो गई, आश्रव तत्व का ही वर्णन कर दिया कि भाई क्या है, क्योंकि क्या है आश्रव भावना में लोगों वैसे डायरेक्ट बात तो ये होनी चाहिए कि आश्रय दुखकारी है, लेकिन चक्कर क्या है कि लोगों को ये भी नहीं मालूम कि आश्रय है क्या, तो आश्रय का भी वहीं के वहीं मतलब वहीं वहीं मौका वहीं वहीं के वहीं उसका वर्णन भी कर दिया है, क्या उसके साथ ही आश्रय क्या होता है वो भी बता दिया है साथों साथ,
जब आश्रव की भावना भानी है भाई, साथ में पहले ये तो बता दें, नहीं तो लोगों को यही नहीं मालूम है। अभी आप सामान्य आदमी से बात करो, आश्रव दुख कार घने रे, तो किसको क्या मालूम है, आश्रव नाम ही नहीं सुना है। जैन धर्म में 99% लोगों को आश्रव मालूम ही नहीं क्या है। आश्रव दुख कार घने रे, तो उनके लिए तो पता नहीं क्या दुख कार होगा, कुछ ना कुछ दुख कार घने रे भैया, आश्रव दुख कार घने रे हैं। बुद्धिवंत ने निर्वेरे निर्वाण, बुद्धिवंत ने निर्वेरे, बुद्धिमान निवारण करे, आश्रव दुखकारी है। है ना, तो वो इसलिए उनको बताना जरूरी है कि पहले ये तो बताओ क्या है आश्रव। तो एक लाइन में उन्होंने आश्रव बता दिया, क्या है आश्रव, कि जो योगन की चपलाई वो आश्रव है, उससे कर्म आश्रव होता है, और वो क्या है, वो दुखकारी है, और उसको बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, उसको निवारण करते हैं, उसका उसको दूर करते हैं। जो कर्मों का आना है वो तो दुखदाई है, उससे ही तो हम संसार में दुख भोग रहे हैं, और राग भेद भाव से कर्म आते हैं उनसे संसार में जीव रखड़ता है, दुखी होता है। तो ये क्या है, एक्चुअल में देखा जाए तो ये एडवांस चीज है। ये आश्रव तत्व को समझाना है बेसिक है, कि आश्रव क्या है, ये हम बेसिक की क्लास में पढ़ाएंगे, और एडवांस क्लास होगी वहाँ ये नहीं पढ़ा जाएगा कि आश्रव क्या होगा, वहाँ तो सिर्फ ये बोला जाएगा कि आश्रव को दुखकारी भाव। अब ये क्या है वो तुम जानो, एक लाइन में बात कर रहे हैं यहाँ तो, कि आश्रव को इस रूप से भाव कि वो दुखकारी है, बस यही आश्रव भावना है। क्या कब भावें, सब कब भाएं, जब मंदिर में आए तब, घर में तो सुखकारी है, घर में मंदिर में दुखकारी है। आश्रव दुखकारी घने रे, क्या मंदिर में तीने निरवेरे, आश्रव सुकार घने रे, और घर में तीने सवेरे। घर में क्यों, आश्रव दुखकारी है सुखकारी है, विषय कषाय, इनसे कौन सा आश्रव होता है, पुण्य आश्रव की पाप आश्रव, सुखकारी है कि दुखकारी, दुखकारी है सही में, दुखकारी वस्तु के लिए आदमी धन बिगाड़ेगा क्या, दुखकारी के लिए धन बिगाड़ता आदमी, मान्यता बोलती उसकी दुखकारी, तो पैसे क्यों लगा रहे उसके लिए। क्यों, टीवी की साइज बढ़ाने जा रहा आदमी, कि क्या देखेगा भैया तू इसमें, पारस तो कम देखेगा, दूसरी दुनिया भर के देख, और पारस पे भी क्या क्या आता है, सब आता है उसमें, मिथ्यात्व की बातें आती है उस पर, पैसे दे चाहे जो छपवा लो चाहे जो करवा लो, लक्ष्मी जी की आराधना भी हो जाए उसमें क्या है, इनकी क्या स्थिति है इन चैनलों वालों की, और कुछ नहीं, एक कैमरा लाके मुफ्त पे यूट्यूब पे दिखा दें, उसके लिए पैसे देने की जरूरत क्या है, बेचारे इतना उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रखा है इसके लिए, इनके गए अब तो जमाने, इन सब चीज़ें गए, लाखों करोड़ों रुपये बिगाड़ने की जरूरत क्या है। खैर वो जो भी है, कहने का तात्पर्य है कि ये एक्चुअल में भावना भाने का मतलब होता है कि हमें वो दुखकारी प्रतीत हो तो वो भावना भाई जाएगी, मानी जाएगी, और यदि हमें दुखकारी प्रतीत नहीं होते हैं बल्कि हमें वो सुखकारी लगते हैं तो वो भावना हमने भाई नहीं। भावना भाने का मतलब ये होता है कि हमारे अंतरंग में वो चित्त में वो भावना आए कि वास्तव में ये क्या है, दुख रूप है, ये रागादि भाव दुख रूप है, हम धन खर्च करके राग भाव अशुभ राग भाव बढ़ाने के उपाय कर रहे हैं। टीवी तो इन चैनल के पैसे नहीं देते हैं, सबके घरों में लगे हुए हैं पैसे चैनल के, महीने का खर्चा बंधा हुआ है सबका, आश्रव दुखकार घने रहे और टीवी के पैसे दिवे रहे, तो दुखकारी का, और वो भी कौन सा आश्रव है, पाप आश्रव,
दुर्गति का कारण है, जो सुगति का भी कारण नहीं। तो दुर्गति के कारण भूत आश्रव के लिए तो देते हैं हम धन, और मुफ्त में जो हमारे कल्याण की चीज होती है ना, उसमें ना हम धन देते हैं, ना तन देते हैं, ना मन देते हैं। और हम कहते हैं दुखकारी का है कि दुखकारी, दुखकारी लगते ही नहीं है, दुखकारी लग जाए तो बात ही क्या है। जीव को ये भाव आना वो कार्यकारी है, पढ़ना और बोलने से मतलब नहीं है। ये पढ़निया और बोलना तो मैंने भी बोल लिया और आपने भी बोल लिया, आश्रव दुखकार घनेरे, परंतु उसकी भाव वासना समझो कि वो ये कह रहे हैं कि ये जो मोह राग द्वेष के भाव है, हे प्राणी, ये तेरे लिए दुख रूप है, तू इनमें अटक गया है, तू ये परद्रव्यों में इष्टानिष्ट की कल्पना कर करके व्यर्थ में संसार में अटका पड़ा है, अपनी शक्ति पहचान, इन परद्रव्यों पर से इष्टनिष्ट करना बंद कर दे और अपनी ज्ञान दर्शन शक्ति को पहचान, तू प्रभु परमात्मा है, क्या है तेरी शक्ति में, क्या है परमात्मपना पड़ा हुआ। लेकिन वो परमात्मपना क्यों नहीं प्रकट होता है, क्योंकि तू जो है ना, तूने अपनी शक्ति को व्यर्थ ही जो है ना बहुत बर्बाद करके रख रखा है। क्या बर्बाद करके रखा है, कि तू परद्रव्यों में नाहक ही इष्टनिष्ट कल्पना कर करके और राग द्वेष करके अपनी आत्मा की शक्ति को नष्ट कर रहा है। क्या मिलना उससे, तेरा कोई बिगाड़ सुधार करता नहीं, और तू जबरदस्ती राग द्वेष किया करता है और कर्म बाधा करता है और संसार में पड़ा रहता है। क्या देखो, पढ़ते हैं अपन, समझ में ही नहीं क्या भावना में और इसमें क्या अंतर है। संवर भावना और संवर तत्व में भी ऐसी अंतर है। संवर तत्व जो है वो बड़ा है कि संवर भावना बड़ी है? अरे संवर भावना कैसे बड़ी हो जाएगी, संवर तत्व के कितने कारण बताए अपन ने, संवर तत्व के कितने कारण, कुल कितने भेद है, 5 के 57, उसमें 57 में से संवर भावना कितनी है, संवर भावना को अपन कितना पॉइंट देंगे, 1/57, 1/57 ही हुई ना संवर भावना तो, और संवर तत्व तो इतना बड़ा, उसका बहुत बड़ा पेट है, संवर तत्व में 12 ही भावना आ जाती है, इतना भावना भी आ गई उसी में, 12 ही भावना उसी में आ गई, तो संवर तत्व का पेट तो बहुत बड़ा है। संवर तत्व के कारण तो 57 है, और उसमें संवर भावना उसमें से एक ही है, एक हिस्सा है उसका। संवर भावना तो केवल संवर को सुखरूप चिंतन करना है, क्या है कि संवर की सुखरूपता का चिंतन करना संवर भावना है। तो हम केवल संवर की सुखरूपता ही क्यों, आश्रव की दुखरूपता भी विचार रहे हैं, तब संवर होगा। आश्रव की दुखरूपता का विचार करने से भी संवर होगा, और संवर की सुखरूपता का विचार करने से भी संवर होगा, निर्जरा की सुखरूपता का विचार करने से भी संवर होगा। बारी भावना संवर के कारण, देह की अपवित्रता भी संवर का कारण, देव की अपवित्रता का विचार करना, लोक का विचार करना संवर का कारण, बोधि दुर् नहीं लोक का विचार करना, संसार तो चतुर्गति परिभ्रमण में दुख का विचार, गति में दुखी दुख है ये विचार करना, वो संसार भावना है। और लोक तो लोक के आकार प्रकार का विचार करना, लोक के जो है लंबाई चौड़ाई का, अथवा लोक के आकार का, अथवा लोक जो है वो 6 द्रव्यों का समूह है, इस प्रकार से तात्विक दृष्टि से उसका विचार करना, वो लोक भावना है। लोक भावना में और संसार भावना में अंतर है। संसार भावना में तो परिभ्रमण की बात है, चतुर्गति चहुगति दुख जीव भरे हैं, क्या चारों गतियों में संसार में जीव परिभ्रमण कर रहे हैं, तो उसमें परिभ्रमण की मुख्यता है कि चार गति में संसरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और चारों गतियों में दुख ही दुख भरा, चहुगति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे और सब विधि संसार असारा, या में सुख नाई लगारा, ये संसार भावना का मूल बिंदु है। लोक भावना में तो ये लोक कैसा है, और उसमें जीव अनादि काल से बिना ज्ञान के भ्रमण कर रहा है, 14 राजू तंगनाग लोक पुरुष संतान, अथवा 6 द्रव्यों का है ना वो, क्या है, षट द्रव्य महीन हरे को, किन हुन करे न धरे को, षट द्रव्य महीन हरे को,
कि न हूँ न करे, कोई न करने वाला है, न हरने वाला है, धरने वाला है। लोक का यह स्वरूप है, कोई बनाने वाला नहीं है, चलाने वाला नहीं है और नष्ट करने वाला। कि न हूँ न करे, न धरे न हरे, कौन करे न कौन धरे न कौन हरे, कौन धरे, कोई नहीं धरे हरे, षट द्रव्यमयी है ये। तो लोक का वर्णन में लोक क्या है, किसने बनाया है, लोक का क्या स्वरूप है, छह द्रव्यमयी लोक है ये बताया है। और संसार में तो चार गतियों में जीव घूम रहे हैं बताया। किससे? लोक के चिंतन से मिथ्यात्व मिटेगा ना, कि ये जो ग्रहित मान ग्रहित मिथ्यात्व लोगों का, कि किसी इस दुनिया को लोक को भगवान ने धारण किया हुआ है, इसको किसी ने बनाया है, कोई इसको चला रहा है, कोई इसको नष्ट करने वाला है, तो ये सब मिथ्या मान्यताएं दूर होगी। लोक के आकार विकार का विचार करने से रागादि नष्ट होते हैं, क्योंकि अपन इस लोक का विचार करते हो तो रागादि भाव होते हैं, और पर इसका तीन लोक का विचार करो तो वैराग्य उत्पन्न होता है, और समझ में आता है कि जीव संसार में कहाँ कहाँ परिभ्रमण कर रहा है, अनादिकाल से कहाँ घूम रहा है, बिना ज्ञान के संसार में परिभ्रमण कर रहा है। और आकार ये दूसरा बात यह है कि श्रद्धान दृढ़ होता है ना, अभी सामान्य रूप से स्वर्ग नरक के ठिकाना स्वर्ग नरक जान लिया, लेकिन अपने को जब पूरा तीन लोक का ज्ञान होता है कि यहाँ नरक है, यहाँ स्वर्ग है, यहाँ मोक्ष है, यहाँ सिद्ध शिला है, यहाँ पे असंख्यात द्वीप समुद्र है, स्वयंभू रमण द्वीप है, यहाँ पंचमगुण स्थानवर्ती मगरमच्छ भी है, यहाँ भोग भूमि है, क्या ये ढाई द्वीप है, यहाँ नंदीश्वर है, पंचमेरु है, यहाँ सात नरक है, ये पूरा मध्य लोक है, और ये असंख्य ये जो है ये यहाँ एक केंद्रीय स्थावर लोक है, ये त्रस नाड़ी है। तो ये सब जान के अपने को जो अपन पढ़ा होता है उसका अपने को श्रद्धान और ज्ञान दृढ़ होता है, तो उससे अपना मिथ्यात्व जो है नष्ट होता है, इससे अपना ही लाभ है। हाँ और श्रद्धा बहुत दृढ़ होता है उससे। दूसरा स्वर्ग नरक के ठिकाने जान के अपने को जो है पाप पुण्य के फल पे भरोसा होता है, मोक्ष का स्वरूप जान के मोक्ष कहाँ है उस स्थान का, और धर्म के फल का जो है श्रद्धान दृढ़ होता है क्या कि कहाँ है ये सब जीव है यहाँ पे। नहीं सुबह शुभ जिन पुण्य पाप ये तो बढ़ा देगा, तो इस टाइप का चिंतन आपको अच्छा स्थिति अनुभव ला देगा। कौन ये चिंतन जो बारह भावना का करेंगे तो अशुभ आश्रव का तो संवर हो जाएगा, पर शुभ आश्रव का क्या होगा? नहीं शुभ आश्रव का भी संवर होगा ना, मुनिराज के तो जैसे देह से भिन्न अन्यत्व भावना है, एकत्व भावना है, तो ये तो अपने निस्वरूप में लीन होने के लिए, एकत्व अन्यत्व भावना में शुभ आश्रव का क्या काम? जैसे मैं देह से अन्य हूँ तो इसमें शुभ भावना क्या है? इसमें तो अपने निस्वरूप में लीन हो, जब परद्रव्य से विरक्त होके अपने में एकत्व रूप भावना भाके अपने में लीन होने की भावना है ना क्या? और ऐसे ही ये किसी न किसी लोक भावना आदि का भी जो विचार है तो उसमें भी ये जो पर गेय जो है जो राग आदि के कारण है उनसे हटके किसी एक गेय पे उपयोग को एकाग्र करके और उसके उसको अवलंबन बना के चिंतन करना, और फिर उसको भी अवलंबन जैसे ऊपर शुक्ल ध्यान तक में किसी एक द्रव्य का, किसी एक गुण का, किसी एक पर्याय का, किसी एक गेय का, किसी एक शब्द का, इसका अवलंबन लेकर ध्यान करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत तो ही नहीं है। नहीं 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 तो वो जितना जितना आश्रय मतलब वो जो छठा सातवां गुणस्थान है तो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में तो उतना संवर है ना, और जितना जो है चिंतन के संजुलन कषाय के उदय में होने वाला जितना भी है वो है उसका कारण। हाँ जितनी तीन कषाय के अभाव रूप वितरागता है और वो ये बारह भावना आदि के चिंतन से वो कषाय का अभाव टिका रहता है नहीं, यदि इनका चिंतन करे तो कषाय पुनः उत्पन्न हो जाती है। कषाय का ऐसा नहीं है कि कषाय गई तो गई हमेशा की, मतलब मुनिराज भी है उनके लिए भी छठा सातवा गुणस्थान बनाए रखना वो पुरुषार्थ का ही काम है, और वो ये सब काम में लगे रहेंगे तो उनका वो जो विशुद्धि है और जो कषाय का अभाव बनी रहेगी, तो कषाय के आवेश आना में क्या देर लगती है।
अच्छे अच्छे गिर जाते हैं, रुद्र जैसे गिर गए, नारायण गिर गए, प्रति नारायण भावलिंगी संत है, कुछ नहीं करते, माँ कुछ निदान नहीं करते, तीर्थंकर होके मोक्ष चले जाते, ऐसे पुण्यशाली थे। चक्रवर्ती बने का पुण्य मान लेते, तीर्थंकर नहीं तो चलो सोलह कारण भावना से बनती तीर्थंकर, इतना उत्कृष्ट जाति की आराधना कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ, छोटी सी कोई चीज देख के उसमें दिमाग अटक गया। बड़े बड़े लोगों की बुद्धि अटक जाती, जिनके तीन कषाय का अभाव था उनकी बात कर रहे हैं, उनकी बुद्धि छोटी सी चीज में अटक। क्या क्या हम इतना तप कर रहे हैं, क्या इनकी झांकी देखो आप, विमान में आए, अपने को भी ऐसे ही एक विमान मिल जाए मैं तो खूब उड़ा के लोगों को बताऊं। और लोगों ने छोटी छोटी भावनाएं भाती रहते हैं, और क्या है, वो दिन कब आएगा ऐसा, तो वो दिन कब आएगा, उस चक्कर में वो जो मिल रहा है, जो आत्म आराधना के फल में मुक्ति की प्राप्ति होती उसको छोड़ के उसने नुक्ति चाली, तो नुक्ति तो यूं ही मिल जाती इसको। पहचान नहीं होती ना चीज की, तो यही होता है, हमारे पास क्या है, हमारे को पहचान नहीं हो तो हमारा पहचान नहीं तो हमको फायदा नहीं मिलने वाला विषय। हमें अपनी उस वस्तु की और अपनी उसकी बहुमान और उसकी कीमत होनी चाहिए। क्या एक आदमी को, एक धोबी को जो है कपड़े धोते धोते नदी पे एक पत्थर दिखा, अच्छा चमकदार था, घर ले आया, पत्नी का रख ले ये, काम आएगा कुछ ना कुछ, अब लाइट चली गई कुछ नहीं, तो उन्होंने कहा यार ये दिया क्या, ये पत्थर क्या चमक रहा बढ़िया है, आपने तो ये लाइट का काम कर रहा है। फिर उन्होंने कहा अपन लाइट भी क्यों खर्च करो, पत्थर से यूज़ कर लो, लाइट का भी बिल बचेगा, अब लाइट की जगह वो पत्थर यूज़ कर रहे हैं क्या। बोले यार महीने का इतना खर्चा बच रहा है, पत्थर ने गजब कर दिया क्या। एक बार कोई आदमी बाहर का आया तो अब उसको कहीं रहने की नहीं जगह मिली, एक ने कहा कि भैया लाइट सब जगह चली जाती लेकिन वहाँ उजाला रहता है, तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ क्यों वहाँ क्या लगा है, कोई जनरेटर है, नहीं नहीं अरे साहब बिना जनरेटर के ही उजाला रहता, ऐसा कोई पत्थर है उसके पास, तो जोरी था वो, तो वो खुद जान करके देखने गया वहाँ क्या है यहाँ पर, तो उन्होंने देखा उसको समझ में आ गई एक सेकंड में क्या है। तो उसके यहाँ रुका वो प्यार से थोड़ा अच्छे से, तो बोले यार ये पत्थर तुम्हारे क्या काम आता है, बोले साहब इतने रुपये की बिजली बच जाती है क्या, जब से आया है तब से इतने रुपए का लाभ हो गया महीने का। तो उसने कहा कितना लाभ हो जाएगा तेरे 100 साल में, कितना लाभ हो जाएगा, बोले इतना, बोला यार हमारे यहाँ बिजली बहुत ज़्यादा चलती है, आप क्या तो बहुत कम चलती है, मेरे को तो दुगने भाव में दे दे, मेरी बिजली ज़्यादा बच जाएगी और तेरे को जिंदगी भर का जितनी बिजली बचेगी उतने पैसे तेरे को दे। तो किसान ने सोचा थोड़ा सा वो जो धोबी, तो उसने समझ लो उसने उसका मूल्य लगाया 1 लाख, तो उसने कहा थोड़े और ज़्यादा मांगो, नहीं मैं 1 लाख में दूंगा, मैं 1.25 लाख में दूंगा। तब उसको क्या दिक्कत थी, ठीक है 1.25 लाख ले ले, 1.25 लाख दे के उससे वो पत्थर ले गया। क्यों, पहचान नहीं है ना जिसको, तो पहचान नहीं तो यही होना है, चीज तुम्हारे पास आ जाएगी उससे क्या होना देना है तुम्हें, उसकी खुद की तुमको उसकी वैल्यू ही नहीं मालूम है तो ये समझ के चलो कि तुम्हारे पास वो ज़्यादा समय रहने वाली चीज चली जाएगी, बहुमान नहीं है तुम्हारे को उसका। क्या मिला तुमको खबर ही नहीं है, ज़्यादा हुआ था 2 रुपये ज़्यादा ले लूँगा वो जी, क्या ऐसे नहीं दूंगा, एक्चुअल में काम ही तो ऐसी कि वो चने चने भर में ले जाता है, वो कहता है इतने चने, तो कहता है इतने चने नहीं थोड़े और चने दो, ले थोड़े और चने ले ले, तो चने ही लायक है, ये पत्थर तेरे पास में वास्तव में रहने लायक है ही नहीं। दुनिया में वास्तव में क्या है, जो जिनको जिसकी पहचान नहीं है उनके पास वो वस्तु नहीं रह सकती। ऐसे धर्म प्राप्त भी हो गया तो क्या है, इन महिमा क्या तेरे को उसकी, तूने उसको तूने चिंतामणि रत्न को कांच के भाव उसको बेच दिया, तो ऐसी तेरी स्थिति, तूने धर्म रूपी रत्न को
और तुच्छ भोगों की प्राप्ति के लिए उसको खो दिया, माने तुच्छ भोगों की लालसा करी तो निदान किया, निदान में क्या हुआ? निदान में मतलब वो बेसिकली इतनी बड़ी चीज से आदमी इतनी सी चीज मांग के आया जिससे मुक्ति मिल सकती थी उसको उस भाव में, उसने उससे बिल्कुल हल्के विषय भोग मांगता हो एकदम, तो मिलते हैं अच्छे, तीन खंड का राजा बन जाता है, उसके बाद नरक जाता है फिर। यद्यपि ज़्यादा भाव नहीं उलझती उनकी ट्रेनें, कुछ भाव में सुलझ के मोक्ष चले जाते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ भाव कहीं भी हो सकते हैं। महावीर भगवान का जीव था है? वो भी नारायण बना था कि नहीं बना था? नहीं मालूम, महावीर भगवान का जीव पहले नारायण बना था, कौन क्या नाम था उसका नारायण के रूप में? हाँ, त्रिप्रष्ट नारायण था। अब वो कितने भाव पहले की, मतलब वो मेरे ख्याल से कौन से त्रिप्रष्ट नारायण कौन से उसमें हुआ, ये 12वें तीर्थंकर के काल में हुआ शायद, कब हुआ? अब कहाँ 12वें तीर्थंकर का काल और कहाँ 24वें का, 12 तीर्थंकर के बीच की गैप तक भटकते रहे भैया जी, और कहाँ वो 12 तीर्थंकर की बिना गैप के वो यदि वो कुछ नहीं मांगते तो उस भाव में मोक्ष प्राप्त कर लेते। तो इसलिए ये 12 भावनाएं सतत भाने योग्य, भटकने को मैंने कहा ना इतना सा उसको दिखा बस, आप शास्त्र पढ़ो तो आपको लगे कि किस जाति की विशुद्धि थी और ये कहाँ से कहाँ आ गए एकदम, कि ऐसा कैसे हो गया, कि भाई परिणामों की विचित्रता है। क्या है परिणाम? विचित्र जीव के परिणामों को ही तो सुधारने की बात है, और परिणाम बिगड़ने का भय रखना और परिणाम सुधारने का यत्न रखना, क्यों? क्योंकि अच्छे अच्छे के परिणाम बिगड़ जाते हैं। ये बात है, देखो अब ये इसलिए 12 भावना मुनिराज सतत भाते हैं, ये उनके लिए सतत भाने के लिए कही है कि इसकी भावना भाव, आश्रव की दुखरूपता का भावना भाव और संवर निर्जरा की सुखरूपता का भावना। आश्रव संवर और निर्जरा का कथन पहले कराएं तथापि उनके गुण और दोषों का विचार करने के लिए यहाँ उनका फिर से उपन्यास किया गया है, उनके गुण और दोष का विचार करने के लिए, किसमें गुण है और किसमें दोष है, जैसे आश्रव संवर निर्जरा तो इसमें कौन सा दोष रूप है और कौन गुण रूप है, कौन गुण रूप है? संवर निर्जरा, और आश्रव दोष रूप है, तो उसका फिर से उपन्यास किया गया है। उपन्यास मैंने फिर से उसका कथन किया गया है विस्तार से। यथा आश्रव इस लोक और परलोक में दुखदायी है, क्या है आश्रव? ये देखो मूल भावना यही है, इसमें आश्रव भावना में मूल इस पे पूरा वजन है, इस पे वजन नहीं है यहाँ कि आश्रव क्या होता है, वो तो समझाया है, यहाँ तो मुद्दे की बात ये करनी है कि आश्रव इस लोक और परलोक में दुखदायी है। दुखदायी है कौन? दुखदायी है द्रव्य आश्रव की भाव आश्रव की, दोनों दोनों ही, भाव आश्रव भी दुखदायी है, द्रव्य आश्रव भी दुखदायी, मोह राग द्वेष भाव दुखदायी है और उससे जो कर्म बंधे वो दुखदायी है। कब? इस लोक में कि परलोक में भी? दोनों ही लोक में। महानदी के प्रवाह के वेग के समान तीक्ष्ण है, नदी का प्रवाह का उदाहरण दिया है, टिकते नहीं आदमी। कोई अपने बहुत पहले ही बाढ़ आई थी ना, कहाँ थी? उत्तराखंड में, कौन सी जगह? केदारनाथ। बाढ़ से प्रवाह इतना तेज होता है आदमी टिक नहीं सकता है, बचाने गए वो चले गए, तो वो जैसे महानदी का प्रवाह खा जाता है लोगों को, आदमी की चलती नहीं है उस पर। कितने अच्छे वो ये जो प्रकृति के प्रवाह होते हैं ना, वो ऐसे चलते हैं बिल्कुल खत्म, आदमी को सेकंडों में निपटा देते हैं और कुछ नहीं चलती, आदमी देखता रह जाता है सब क्या हो गया। भूकंप है कितनी देर लगते हैं? सटा अपन बातें कर रहे हैं, 10 सेकंड में तो खत्म, अपनी कहानी खत्म, कल अखबार में आ जाएगा।
और परसों माला टंग जाएगी, तो तिया हो जाएगा, समझ लो मलारिंग में नहीं आएंगे, आ जाए तो अपना तिया हो जाए वहाँ जाके। और क्या, इतनी देर सेकंडों के अंदर काम होते, सेकंडों। तो महानदी के प्रवाह का उदाहरण दिया उन्होंने कि महानदी का जो प्रवाह होता है तीक्ष्ण होता है, ऐसे कर्म इतना तीक्ष्ण है तेरे को महान दुखी करने वाला है। इस लोक मतलब उसके लिए उन्होंने उदाहरण रूप में बताया कि कितना दुख रूप है, कैसा दुख रूप है कि जैसे नदी के अंदर आदमी मरता है तो दुख रूप से मरता है तीक्ष्ण प्रवाह में, ऐसे ही है कर्म का जो आना है वो महानदी के प्रवाह के समान तीक्ष्ण है। महानदी के प्रवाह नहीं, महानदी के प्रवाह के वेग के समान तीक्ष्ण है। तथा इंद्री कषाय और अवृत रूप है, कैसा है ये आश्रव? इंद्री कषाय और अवृत रूप है। इंद्रियों के विषय कषाय से और अवृत रूप से कर्मों का आश्रय होता है, उनमें से स्पर्शन आदि इंद्रियां वनगज कौवा सर्प पतंग और हिरण आदि को दुख रूप समुद्र में अवगान कराती है। बहुत बढ़िया दिया उदाहरण देखो। अब इसमें से वनगज तो अपन ने पढ़ रखा है, वनगज माने हाथी, गज माने हाथी, वन वन में चलने वाला जंगली हाथी, वन का हाथी क्या वन में गज जो वन में चलता है ना जंगली हाथी, उसकी बात कर रहे हैं। और कौवा, कौवा कौन सी इंद्रिय के लिए दिया? अरे स्पर्शन के लिए तो हाथी हो गया ना, रसना के लिए, और सर्प वो घ्राण इंद्रिय के लिए, और चक्षु के लिए पतंगा, और कर्ण इंद्रिय के लिए हरिण। ये जो है ये स्पर्शन आदि की इंद्रियां इनको दुख रूप समुद्र में अवगाहन कराती है, दुख रूप समुद्र मार डालती है बेचारों को। क्या ये बेचारे इन इंद्रियों के पीड़ित बेचारे क्या करे, सही नहीं जाती इनसे, इंद्रियों की पीड़ा नहीं सही जाती, तो वो इनको इंद्रियों की पीड़ा इनको मार डालती है, बहुत भयंकर दुखी कर मारती, दुखी कर करके मारती। जैसे जो ये लाइट है ना लाइट, तो अब ये क्या है कि इसको देखने की भयंकर पीड़ा है, और ये दीवाले हैं और लाइट है, तो अब वो देखने की पीड़ा इतनी है कि वो दूर दूर से आएंगे और दीवार में टकराएंगे, फिर गिरे और फिर टकराए, तो बेचारा कैसी पीड़ा है देखो आप, कि वो उनको रूप देखने की पीड़ा, उनको जो है उनका माथा फुटवा रही है। क्या मैंने अपने को जैसे अभी एक गाना चले और अपन को ऐसी पीड़ा हो कि गाना सुन रही है और अपन उसकी तरफ भागे, और भाग के क्या करें अपना दीवार से माथा फुटवा ले, और फिर थोड़ी बहुत माथा फूट के नीचे एक आध सेकंड पड़े और थोड़ी बहुत होश आए, और फिर वो जैसे ही गाना चले और फिर जाए उसके पीछे और फिर माथा फुड़वाए और फिर कर करके ऐसे करके ढेर होके मर जाए, कैसी पीड़ा है बोलो आप है। आदमी को जैसे ही कुछ सूझ पड़ी, अब चाहे तो इलाज करवा लेता, एक बार गिर गया कोई बात नहीं, लेकिन वो मधुमक्खियाँ वगैरह गिरती देखना आप कभी, नीचे पड़ी रहती और फिर उड़ती और फिर जाती, फिर पट 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 फिर गिरी फिर पट, अरे करे क्या उनको, ऐसा लगता है कि यार क्या कलर है एकदम, ऐसा रूप देखा ही नहीं जिंदगी में कभी, इंद्रियां नहीं मिलती, एक तो बड़ी मुश्किल से वो इंद्रिय मिलती है, तो वो इंद्रिय की लालसा इतनी तीव्र होती है कि वो उस विषय में तुरंत जाती, वो तुरंत जाके और वो अपने प्राण देती है, प्राण की पीड़ा भी उसको जो है वो भयंकर दुखी करती है, लेकिन वो उसको इंद्रिय विषय की पीड़ा उससे ज़्यादा सताती है। लगाना ही नहीं चाहिए लोगों को, पता नहीं क्या है, पूरा वो राड के नीचे पूरा गंदा हो जाता कचरा। क्या बस स्थिति वो है, जब मिलती नहीं ना इंद्रियां, तो इंद्रियां मिली तो मिली तो उसको क्या है कि उसको लगता है कि बस अब भाई इससे मैं जान लूँ, ज्ञान कर लूँ और ज्ञान से बहुत सुख मिल जाएगा, जानूँ बहुत
उसको जो है वो आकर्षित करने वाली चीज़ें रहती ना इनके लिए, तो वो उसके प्रति रूप के प्रति बड़ा आकर्षित होकर लाल लाल लाइट दिखती तो घुसता है उसके अंदर। ऐसे रसना इंद्री के पीछे मछली लोग घुसती है, उसको लगता मांस मांस के पीछे तो कभी खाया ही नहीं, टपड़ती दाने डाल दो मुँह उसके, क्या बोलते हैं चने, चने के पीछे आ जाती है, वो जाल फैला के पकड़ लेते लोग। बड़ा बड़ा हाथी स्पर्शन करने के चक्कर में मारे जाते हैं। ये सब इन इंद्रियों के विचारे पीड़ित है, ये क्या करें, अपने आप को मरण जैसे महासंकट में डाल लेते, पूरी जिंदगी बेचारे बंधन में पड़ जाते हैं। जंगली हाथी अपनी पूरी स्वतंत्रता खो बैठता है और पूरी जिंदगी भर अंकुश के प्रहार सहता है, अपनी स्वतंत्रता भी खो बैठा, हाथी नहीं तो मिली नहीं, स्वतंत्रता अलग खो बैठे और जिंदगी भर क्या मिल रहे हैं उनको, भाले की नोक, पूरे लहूलुहान हो जाए, भले खाने को नहीं देते हैं, मारते हैं खूब। ऐसे कौए का और सर्प का और दिया रसना और घ्राण के लिए, कौआ रसना इंद्री के चक्कर में चले जाता है और सर्प घ्राण इंद्री के चक्कर। और हिरण का तो मालूम ही है, हिरण की भी यही स्थिति, गाने का बहुत शौकीन होता है, म्यूजिक का पता नहीं, मतलब हिरण को भी कोई गाना सुना है तो बिल्कुल खड़ा रहेगा आराम, संगीत का प्रेमी होता है हिरण, मतलब हिरण को ये जो राग ताल वगैरह का खूब अच्छी नॉलेज होती है, अड़ा सड़ा गाएगा तो नहीं गाया जाएगा, वो बिल्कुल प्रॉपर गाने वाला चाहिए उसे, स्वाभाविक होती है उसमें वो क्या, लेकिन वो उस चक्कर के अंदर मारा जाता है, उसकी वो जो है वो इस कमजोरी को वो शिकारी जानते हैं। सांप भी पकड़ा जाता है घ्राण इंद्री के चक्कर में, कुछ सूंघ सूंघा के, हाँ बहुत मजा आता है उनको उस पर, वो तो मयूर जब आवाज करता है ना तब उनको वैसे भगते हैं वो बिल्कुल, मोगरे के पेड़ पे भी आते हैं क्या, अच्छा हैं अल्कोहल से भगता है अल्कोहल, तो नाक तेज है मतलब उसकी सांप की नाक तेज है, मतलब ध्यान रखना है अपने घर में मोगरा मत लगा लेना होता है मजा आता होगा उसको इसलिए। और चंदन के पेड़ पे क्या है, ये जो है ना ये जो दूसरे उसको मारने वाले होते हैं ना ये भी जानते हैं कहाँ मिलेगा, पकड़ लेते हैं उसको साथ। सब सब अपनी इन सब की अपनी अपनी विचारों की कमजोरियाँ हैं और वो उसके कारण ये इनके प्राण संकट में पड़ जाते हैं, मारे जाते हैं, तो मारे जाने जैसा संकट भोगते इंद्रियों की लोलुपता के वजह। 100% मालूम है कि ये इस तरह से आ जाएगा क्या, मैंने आदमी का तो फिर भी पूरा नहीं है एकदम भरोसा, लेकिन आदमी भी ऐसे इंद्रिय विषयों के चक्कर में आदमी भी प्राण मतलब आदमी भी फंसता है, हर आदमी इन इंद्रिय विषयों के चक्कर के अंदर आदमी उलझ जाता है, ट्रैप हो जाता है, ट्रैप पंचेंद्री में तो ट्रैप हो रहा आदमी और क्या है, इंद्रिय विषय की गुलामी है, मालूम है कि ये होना ही होना है, क्या गारंटी है बोला, हमारे भाई वाई वाई देने आते थे तो वही पता करते थे कि ये को किसको पसंद क्या है खाने में, तो वो जो जितने स्टूडेंट थे ना स्टूडेंट ही ले आते थे कि सर आपको ही ये हम ही खिलाए थे एक सर को दही पसंद था, दही और कुछ नहीं, सिंपल खाते थे, किसी के उसमें नहीं आए चाले में, सब ने कोशिश कर ली,
फिजिक्स का वाइवा लेने आए हैं, सब क्या हो सब सोच रहे हैं कि ये हो जाए वो हो जाए। बोलो सर ये ले लो। बोले मैं तो कुछ खाते ही नहीं, दही 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 क्या क्या है, दही थे। माल मसाला नहीं होता, दही के अंदर कोई पैसे नहीं लगते हैं, दही तो आदमी दही खिलाने में कोई कुछ कुछ नहीं है। विषय की आसक्ति तो हर जगह आदमी को जो है ना वो पीड़ित करेगी, फंसाएगी वो उसको, वो उसकी कमजोरी है उसकी, और वो कमजोरी से वो भव भव इसी भव में भी मतलब पर भव में दुख पाएगा तो डाएगा ही, ये यहीं वो दुखी हो जाएगा, देखना यहीं फंस जाएगा, उलझ जाएगी कहीं क्या, किनको खिलाओ है? खिलाओ खिलाओ खा, मना नहीं करेंगे, शौक है इनको बहुत, मीठे का शौक है, नमकीन का शौक है क्या, मतलब वो व्यक्ति क्या है क्या जैसे चीज दिखती ना, खासकर इवन बीमारी बीमारी भी हो जाए आदमी को तो बीमारी भी एक तरफ करता आदमी, मीठा पढ़ो मीठा अब देखेंगे बाद में खा लो अभी तो, फिर खुद पीड़ाएं भोगता है उसको जानता है, इसलिए लिखा उन्होंने उनमें से स्पर्शन आदि इंद्रिया वनगज कौवा सर्प। अब कौवा कौवा रसने इंद्रिय का लोलुपी होगा, वो मांस वास के पीछे पीछे भगता रहता कौवा, गंदी चीजें होती है ना, परंतु रसना इंद्रिय का लोलुपी ये थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा कैसे ही है वनगज, क्योंकि ये दो उदाहरण नए दिए, बाकी तो तीन अपने लिए कोई नए नहीं है, अपन ने हजारों बार पढ़े हैं, कौन कौन से, हाँ वनगज पतंग और हिरण, ये कौवा और सर्प अपने लिए नए हैं ये, तो ये आदि को दुख रूप समुद्र में क्या कराते हैं, ये अवगाहन कराती है क्या, जिसकी एक बात है इंद्रिय विषयों में जिसको लोलुप तो नहीं है उसको दुनिया में कोई नहीं खरीद सकता है, क्या इसे खरीद क्या इसे बिकेगा बताओ क्या है उसको कौन खरीद सकता है, अच्छा लोलुपी है जिनको इंद्रिय विषयों की लोलुपता है और गंदी गंदी चीज़ों की लोलुपता है, तो बिके हुए हैं यूं ही बिके हुए हैं क्या, इनको व्यसन इनको खरीद लेते हैं और क्या है इनमें, है क्या इनमें तथ्य क्या है, मध्य मास मधु में बिक जाता आदमी, और वो अपने लिए खुद दुख के गड्ढे बोता है उसको खुद को ही नहीं दिखता, लेकिन जब इंद्रिय विषय की लोलुपता आती ना इसका क्या आगामी काल में फल होएगा कुछ नहीं मालूम, अभी तो भोग लो और अभी भोग लो और उसी में उलझ जाती फाइल, कर्मबंध का क्या चक्कर है, अभी तो वर्तमान में तो भोग लो, लेकिन उससे जो कारण बंद हो रहे हैं उससे आगामी काल में दुख भोगेगा वो समझ में आ रही कि नहीं आ रही, और ये तो अभी क्षणिक है, ये इंद्रिय विषय के सुख सब क्षणिक है, कोई शाश्वत नहीं है, वो टेम्प्ररी होते हैं, उस समय लगते हैं वो, और वो अपने को भुलावा दे के अपने को उसमें उलझा देते हैं, तो ये दुख एक तो पहली बात तो क्या कही कि पंचेंद्रिय के विषय जीव को दुख रूपी समुद्र में अवगाहन कराते हैं, मैंने डुबो देते हैं, और कषाय अधिक भी इस लोक में बद बंद अपयश अरे वो अपयश होना चाहिए, यह पहले लिखा हुआ होना चाहिए ना, यह कहा सही लिखा उसमें, कषाय अधिक भी पढ़ने में वो तो क्या है मेरे अपन लोग पढ़ते वैसे ही ना तो अपयश ही पढ़ेंगे, तो वो बाद में देखा मैंने कही क्या है, कषाय अधिक भी इस लोक में बद, एक तो वध का कारण है माने पीटा जाना, कषाय के कारण ही एक दूसरे से पीटा जाते हैं, जबरदस्ती उलझ जाते हैं फालतू में, कषाय की वजह से कुछ बोल दिया गुस्सा आ गया तो फिर बस पीट दिया सामने वाले, कषाय अधिक ही इस लोक में वध बंद बंधन में पड़ जाते हैं, अपयश और क्लेश आदि दुखों को उत्पन्न करते हैं, कषाय जीव को ये सब दुखों को उत्पन्न करती है, क्लेश होता है कषाय क्लेशित करती जीव परेशान करके रख देती, मान आदि कषाय से पीड़ित होता है, क्या खूब मेरे को चाहिए कोई न कोई बोले मेरे अच्छा मेरे को कोई मेरी अच्छा मेरा कोई नाम हो धाम हो, तो लोगों भाई बहुत सारे ठग बैठे हैं क्या, उन्होंने कहा रहे ये तो आ गया
उसके धन को लूटने वाला कौन नहीं तैयार बैठा, जिसको मानादिक कषाय चाहिए, क्या मेरे को ठाकुर जी बनना है, तो मेरे को ठाकुर जी बनाने वाले तो जगह जगह बैठे, उनको धन चाहिए, तुमको यश चाहिए, तो वे धन के लोभी, तुम यश के लोभी, उनका भी काम हो जाएगा तुम्हारा भी हो जाएगा, चिंता ही क्यों कर रहे हो तुम, क्या बद बंद अपयश और क्लेशादिक दुखों को क्या करते हैं, उत्पन्न करती कषाय तथा परलोक में नाना प्रकार के दुखों से प्रज्वलित चार नाना गतियों में परिभ्रमण कराते हैं, कौन ये कषाय, ये कषाय इंद्रियां सभी और अव्रत, ये परलोक इस लोक में तो दुखों को उत्पन्न करते ही हैं और परलोक में भी नाना प्रकार के दुखों से प्रज्वलित चारों गतियों में परिभ्रमण कराते हैं, चारों गतियों में घूमता है इनके निमित्त से, फिर मिथ्यात् कषाय के निमित्त से, और ये कषाय से अकेली कषाय नहीं, मिथ्यात् प्लस कषाय दोनों साथ में ले लेना, इस प्रकार आश्रयों के दोषों का चिंतन करना, देखो क्या है आश्रय को समझना, वो आश्रय भावना नहीं है, आश्रय के दोषों का चिंतन करना और ये भावना करना कि इनको दूर कैसे करें, ये दुखकारी है और इनका अभाव कैसे किया जाए, ये आश्रय अनुप्रेक्षा है, इस प्रकार चिंतन करने वाले इस जीव के क्षमा अधिक में कल्याण रूप बुद्धि का त्याग नहीं होता है। आपने देखा हो तो इसमें इन्होंने 10 धर्मों की जो भावना है ना, वो 10 धर्म को, 10 धर्मों को क्या करता है वो, 10 धर्मों में उसको उसके 10 धर्मों में पालन रूप बुद्धि होती है, माने 12 भावनाएं ये 10 धर्मों के पालन करने में मददगारी है, इस रूप से इसका वर्णन आया है। जैसे गुप्ती है, गुप्ती नहीं हो तो समिति करो, तो समिति का पालन करने वाले जब मुनिराज आहार लेने के लिए जाएंगे तो अब शब्द बोले लेंगे लोग, तो उस समय क्षमा भाव रखना, क्षमा भाव रखना कैसे, कि क्षमा भाव रखने के लिए 12 भावनाओं का चिंतन करना, तो फिर यहाँ से जोड़ा कि इस प्रकार से जो चिंतन करेगा तो उसके उत्तम क्षमा आदि जो धर्म है उनमें कल्याण रूप बुद्धि का त्याग नहीं होएगा, उसको कल्याण रूप बुद्धि बढ़ेगी, तो वो उससे उसके 10 धर्म क्या होंगे, पालन होंगे, किससे, ये 12 भावनाओं का चिंतन, ये फायदा है उससे, तुम 12 भावना चिंतन करो सतत निरंतर, तो इससे तुम्हारे जीवन में 10 धर्म भी आ जाएंगे, पलेंगे अपने आप, क्योंकि इन बातों का विचार करने से चित्त में क्षमा आदि भाव प्रकट होते हैं, क्षमा में इन 10 धर्मों में अपने को कल्याण रूप बुद्धि के भाव आते हैं कि ये अच्छे भाव है, और क्रोधादि कषाय आदि बुरे भाव हैं, तो क्षमा आदि के अच्छे भाव हैं, तो उनको प्रकट करने का उत्साह उत्पन्न होता है ना, तथा कछुए के समान जिसने अपनी आत्मा को समृत कर लिया है उसके ये सब आश्रयों के दोष नहीं होते, क्या क्या कर लिया जिसने, कछुए के समान जिसने अपनी आत्मा को समृत कर लिया, समृत माने सब ओर से समेट लिया है, कहा है से सब ओर से, मतलब मिथ्यात् विषय कषाय से अपने आप को समेट लिया है, तो अब उसके संवर्ग आश्रय कैसे होएगा, कछुआ होता है ना, कछुए को मारो तो क्या होता है, कछुआ सिमट जाता है अपने अंदर, पूर्ण होकर बड़े क्या होता है, पीठ होती है ना, पीठ पीठ पे कितने ही कुछ करो कुछ नहीं होता उसे, अंदर यहाँ मजबूत यहाँ कंवल होता हो तो ये जगह अपनी वो फटाक से कवर कर लेता है, उसको मालूम है कि यहाँ कुछ नहीं होएगा यहाँ होएगा, तो समृद्ध हो गया वो, तो ऐसे ही जिसने मिथ्यात् अव्रत कषाय को जान लिया कि इससे मेरा क्या होगा, बंद होगा, तो वो मिथ्यात् अव्रत कषाय से अपने आप को क्या कर लेता है, रोक लेता है, मिथ्यात् अव्रत कषाय रूप प्रवृत्ति नहीं करता, और उसको मालूम है कि मैं जैसे उसको कछुए को अपनी ढाल मालूम है, ऐसे इसको ये मालूम है कि मैं अपने स्वभाव रूप स्वभाव में प्रवृत्ति करूँगा तो उससे ये कर्म आदि मेरे ऊपर कुछ भी कर नहीं पाएंगे, मेरे को कोई दुख नहीं दे पाएगा, तो वो ज्ञानी को ही विश्वास होने से कि स्वभाव रूप प्रवृत्ति मेरे सब सुख का कारण है, तो वो प्रवृत्ति करता है अपने निस्वभाव, अन्य कई जगह अपने उपयोग को नहीं देता, तो उसके सब आश्रयों के दोष क्या होते हैं, नहीं होते, जिसने अपनी आत्मा को समृद्ध कर लिया है, अपने अपने आत्मा को समृद्ध करने का मतलब अपने आप को सब जगह से समेट के और अपने निज में स्थिर किया है,
अपने को अपने में लीन किया है, अपने को अपने में स्थिर किया है, उसके ही आशावादी भाव ये दोष नहीं होते हैं। समझ में आ रही है? नहीं आ रही? अब ये संवर तो छोटा सा है, देखो पढ़ लेता हूँ मैं इसको भी, आगे पढ़ लूँ, कल छुट्टी है ऐसे भी, कल परसों, कल परसों प्रवचन है पंडित जी के, अभी देखो पढ़ लेते हैं अपने संवर्ण। जिस प्रकार महार्णव में नाव के छिद्र के नहीं ढके रहने पर, क्रम से झिरे हुए जल से व्याप्त होने पर, उसके आश्रय से बैठे हुए मनुष्यों का विनाश असंभावी है। क्या कह रहे हैं? महार्णव माने अर्णव, किसको कहते हैं अर्णव? समुद्र को अर्णव समुद्र को कहते हैं। महार्णव माने महासमुद्र में नाव के छिद्र के नहीं ढके, नाव है और नाव में जो छिद्र है वो ढका नहीं है, माने छिद्र को बंद नहीं किया है, तो क्या होगा? क्रम से झिरे हुए, क्रम क्रम से जल आएगा और जल के व्याप्त होने पर उसके आश्रय से जितने भी लोग बैठे होंगे वो सब डूब जाएंगे, वो नाव में जो भी बैठे हैं सबकी डूबने की गति होने वाली, क्या सब नियम से नीचे भयंकर पानी में डूबेंगे। तो ऐसे जो नाव में छेद बंद नहीं है, मतलब कर्मों का आगमन चल रहा है निरंतर, तो वो जीव का क्या होगा? घोर संसार समुद्र में डूबेगा, एकेंद्री बन जाएगा, ये कर्म का आना रुका नहीं है, तो क्या होगा जीव? कि कर्म का आश्रय करते करते एकेंद्री आदि पर्याय को प्राप्त करेगा, घोर संसार समुद्र में परिभ्रमण करेगा। देखो ऐसा नहीं है कि संसार कुछ नहीं है, क्या जा रही है अपना, नी भी करा, नी भी अपन ने संवर्ण निर्जर पकड़े, क्या बिगड़ जाए, बैठो अभी, एक दिन मंदिर नहीं जाओगे तो क्या हो जाएगा, एक दिन नहीं धर्म करोगे तो क्या हो जाएगा। लोग कहते कि नहीं ऐसे यार, नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा यार, ये तो मेरी जिंदगी पड़ी है, ये कौन सा तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो है ना, ये बातें करना कि कुछ नहीं किया तो क्या होगा, कि कुछ नहीं किया तो ये होगा कि हम घोर संसार समुद्र में डूबेंगे, एकेंद्री बन जाएंगे हम, और जीवन का ठिकाना क्या है? ये जब दीक्षा लेते हैं ना तो उनको उनके पिताजी कहते हैं कि बेटा अभी तो तुम्हारी बहुत युवा अवस्था है, तो पिताजी क्या मृत्यु युवा को नहीं ग्रस्ती है? हैं ये बताओ क्या ठिकाना है कि हमारा यौवन अवस्था के बाद में बुढ़ापा आएगा भी? अरे किसने देखी है बुढ़ापे की, उसके पहले ही चले गए, तो इसलिए उसके पहले हम तो अपना हित करेंगे, हम तो अपना आत्महित करने चल रहे जा रहे, मौत किसको देखती है, बुढ़ापा आएगा है किसको मालूम, उसके पहले ही हो जाए चले जाए, क्या भरोसा क्या? तो जब ये नाव ये कर्म कर्म के द्वारा कर्म का आना निरंतर जिस नाव में आ रहा, मतलब जिस जीव में निरंतर कर्म का आगमन है, तो निश्चिंत बैठने की बात नहीं है वहाँ, कर लेंगे हम, कर लेंगे, कर लेंगे, कर क्या लेंगे, जब तक तो डूब जाएंगे। नाव में बैठा हुआ आदमी, हाँ रोक रहे हैं यार, अभी कौन सी जल्दी है, रोक रहे हैं भाई, रोक रहे हैं ना, अरे साहब पानी आ गया इतना, अरे कर रहे हैं ना दो मिनट चाय पी के आ रहे हैं अभी आराम से, क्या होगा चाय पीने के चक्कर में, तो चाय पी ला जाएगी नीचे, पानी आना चालू होता है ना, तो एक सेकंड की भी उसके अंदर यदि उन्होंने प्रमाद बढ़ता तो वो एक सेकंड की लापरवाही भारी पड़ जाती और पानी नाव में पानी उनमें डूब जाती। ऐसे जीव जो है ये कह रहे हैं इतना सा भी प्रमाद उसका जो है वो बहुत भारी है, घोर संसार समुद्र में डूबेगा। और छिद्र के ढकिया रहेगा तो क्या होगा? छिद्र बंद कर दिए, मिथ्यात् का छेद बंद कर दिया, अरे बहुत बड़ा काम हो गया, नाव मझधार पार चली जाएगी। छिद्र के ढके रहने पर निरुपद्रव रूप से, कोई उपद्रव नहीं होएगा, छेद ढक दिए नाव में पानी नहीं आ रहा, फिर तो चाहे जितना बड़ा समुद्र हो तीर के किनारे लग जाए, और नाव यदि छिद्र सहित है और पानी आ रहा है तो इस किनारे से शायद सामने ही जाना हो, उसे पहले ही डूब जाएगा। छिद्र के ढके रहने पर निरुपद्रव रूप से अभिलषित देशांतर का प्राप्त होना अवश्य संभावी है। उसी प्रकार कर्म आगम के द्वार के ढके होने पर कल्याण का प्रतिबंध नहीं होता। कर्म आगम का द्वार ढका है, कल्याण को कोई नहीं रोक सकता, कर्म कल्याण का प्रतिबंधक कारण कुछ नहीं है। कब? जब कर्म आगमन के द्वार ढके हुए, मिथ्यात् अविरति प्रमाद कषाय योग, इनसे कर्म आते हैं, इनको जिसने रोक लिया
तो उसके कल्याण को कोई नहीं रोक सकता। इस प्रकार संवर के गुणों का चिंतन करना संवर अनुप्रेक्षा है। इस प्रकार चिंतन करने वाले जीव के क्या होती है, अरे संवर में निरंतर उद्युक्ता होती है, माने उद्यत होता है संवर को प्राप्त करने के लिए। और संवर होती है तो संवर जिसको प्राप्त होगा तो उसको एक दिन क्या हो जाएगी, मोक्ष पद की प्राप्ति।